हिमाचल चुनाव में फतेहपुर सीट से बीजेपी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार कृपाल परमार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। फतेहपुर सीट से भाजपा ने मंत्री राकेश पठानिया को टिकट दिया था, इससे नाराज होकर कृपाल परमार फतेहपुर सीट से निर्दलीय मैदान में कूद गए थे। भाजपा के नेताओं ने उन्हें मनाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। निर्दलीय मैदान में उतरे कृपाल परमार का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि खुद पीएम ने कॉल करके उन्हें मैदान से हटने को कहा है। हालांकि कृपाल परमार ने उनकी भी नहीं सुनी और चुनावी दंगल में डटे रहे। कहा यह भी गया था कि बातचीत के दौरान परमार ने बीजेपी अध्यक्ष की शिकायत भी की थी। कृपाल परमार ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे फोन करके कहा चुनाव नहीं लड़ने के लिए। उन्होंने बताया था पीएम ने उनसे कहा मेरी बात सुन ले, मेरा तुम पर हक है, इस फोन की कीमत कम मत आंकना। परमार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कम नहीं है, ये मेरे लिए भगवान का आदेश है, अगर फोन दो दिन पहले आता तो कुछ हो जाता। इसके बाद मोदी जी ने शुक्रिया कहकर फोन काट दिया। किसी भी चुनाव में उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए कुल वोट का छठवां हिस्सा यानी कि 16.6% मत लाने होते हैं। यहां फिलहाल कांग्रेस उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया आगे चल रहे हैं, उनसे ठीक पीछे भाजपा उम्मीदवार मंत्री राकेश पठानिया हैं। बता दें कि पिछले दो चुनावों से फतेहपुर सीट पर कांग्रेस ही जीत रही है। 2017 में बीजेपी ने कृपाल परमार को टिकट दिया था, लेकिन तब वो कांग्रेस के सुजान सिंह पठानिया से चुनाव हार गए थे। 2012 में भी यहां कांग्रेस के सुजान सिंह ने ही बीजेपी के बलदेव ठाकुर को मात दी थी। 2021 में हुए उपचुनाव में भवानी सिंह ने कांग्रेस को जिताया था। 2017 में कुल 68 विधानसभा सीटों में से 44 सीट पर बीजेपी जीती थी, वहीं कांग्रेस के पाले में 21 सीटें गई थी। एक सीट पर सीपीआईएम और दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। 1985 के बाद से यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदलती रहती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उनकी जीत होगी। एग्जिट पोल्स में भी कांग्रेस को मजबूत स्थिति में दिखाया गया है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।